मैं सूरत रहती हूँ। मेरे लड़के का 2 साल से डायलिसिस हो रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने किडनी अपने बेटे को देके और उसका अच्छा नया ज़िंदगी शुरू करूँ। इसके लिए मैं उनका ये फैसला ली अपने से कि मेरे बेटे नया ज़िंदगी से शुरू करें। मेरे तो थोड़ी एज हो चुकी है, इसलिए मैंने डिसाइड किया। अभी तो ये किडनी है, वो अब अपने से ही मेरे को अपना सेहत अच्छे से रखना है, मेरी लाइफ इसमें ही अच्छे से काटना है। इसलिए हम अपना केयर करेंगे, ख्याल करेंगे, अपने बच्चे को भी पूरा अच्छी तरह से केयर करके उसको अच्छे से रखेंगे। मैं बोलूँगी मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपने बेटे को एक किडनी दी हूँ, और क्या मेरे से बढ़ के और क्या हो सकती है। मेरे जिंदगी मेरे बेटे के ज़िंदगी से बढ़ के और कुछ हो नहीं सकते, इसलिए मैं अपने बेटे को किडनी एक डोनेट कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे को किडनी दे दी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत डायलिसिस में बहुत ये फील होता था देख के, उसको बहुत कष्ट था शरीर में, इसलिए मैं उसका दुख अपने को ये नहीं देखा जाता था, इसलिए मैं अपने बेटे को किडनी दी। मैं यही चाहूँगी सभी माएँ बहनों से कि बेटे को जिसके भी घर पे ऐसा प्रॉब्लम है, कोई भी हो, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, या भाई हो या बहन हो, जो भी हो, घर जिसका ही ब्लड ग्रुप मिल जाए, सभी भाई बहनों एक किडनी डोनेट कर दीजिए। इसमें कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा ये होता है, बाकी कुछ तकलीफ नहीं है सर में। हम भी नॉर्मल इंसान की तरह ही रहती हूँ, कुछ किसी को तकलीफ नहीं है इस किडनी डोनेट करने से। सब जैसे पहले थी, अभी भी वैसे ही हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम मृत्युंजय रमेश सिंह है, मैं सूरत से हूँ। मेरी मम्मी का नाम सुनैना रमेश सिंह है, सुनैना रमेश सिंह है। 2 साल से मैं डायलिसिस पर था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी शरीर में, कभी कभी मेरे को मतलब 4-4 घंटे डायलिसिस में बैठना पड़ता था और तकलीफ बहुत होती थी। उसके बाद हम IRKDC में आए, हमने विवेक सर से मिला, विवेक सर ने हमें सलाह दिया ट्रांसप्लांट के लिए। फिर हमारा ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं हो रहा था, तो विवेक सर ने हमें नया आइडिया बताया जो स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिससे कि मतलब ब्लड ग्रुप मैच ना हो पर एक दूसरे का पेयर का अलग से ग्रुप होती है, जैसे कि मेरी मम्मी किसी और को तो मम्मी ने किसी और को दिया, इस थ्रू हमारा ट्रांसप्लांट हुआ। और मेरे चार महीने हो गए ट्रांसप्लांट को, आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और बस इसमें कोई रिस्क नहीं था, रिस्क रहता है पर उतनी रिस्क नहीं है, आराम से 3 घंटे का ऑपरेशन होता है, आराम से होता है। और यहाँ के सर भी बहुत अच्छे टेक केयर है, मैं विवेक सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो अभी भी मेरे को केयर करते हैं और हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं। मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा, अगर कोई घर से डोनेट किडनी मिल भी रही है तो दे दे, अगर ब्लड ग्रुप भी नहीं मैच होती है तो आप एक किडनी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे पता कीजिए, क्रॉस करके भी आता है तो मैच जल्दी होगी और जल्दी मिलेगी और लोगों की लाइफ बचेगी जो डायलिसिस पर है। आज मैं मदर्स डे है तो मैं आज मम्मी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमेशा केयर किया, बचपन से लेकर आज तक केयर किया और अभी भी केयर कर रही है। और मुझे ये किडनी तो ट्रांसप्लांट है पर मेरे को बचपन से ही बहुत सारे प्रॉब्लम है, पर हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और हमेशा खुश रखा है। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि तू कमज़ोर बेटा है, हमेशा उन्होंने मुझे बहुत मतलब प्रोत्साहन किया कि तू अच्छा है, सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भी बहुत प्रोत्साहन किया, आज मैं MBA ग्रेजुएट हूँ फाइनेंस से। सो मेरी मम्मी ने बहुत प्रोत्साहन किया, अभी भी प्रोत्साहन करती है, बेटा पढ़ाई कर अच्छे से, अभी अच्छी जॉब मिलेगी, और मेरा हमेशा केयर करती है। और मेरे शरीर में कमजोरी है, मैं पोलियो पेशेंट भी हूँ, तो मुझे हर चीज़ ऐसा कभी महसूस नहीं करने दिया मम्मी या पापा ने कि कभी कुछ ना, इसलिए मैं मम्मी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मम्मी, आई लव यू। मैं अपनी मॉम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे किडनी डोनेट किया। उन्होंने किडनी डोनेट करने के बाद भी मेरी 3 महीने तक सेवा की, जब तक मैं एडमिट था तब भी वो मेरे साथ आई, मेरे भाई को भी नहीं आने दिया। उन्होंने बोला कि वो नहीं, मैं तेरे टेक केयर करूँगा और मैं अच्छे से टेक केयर करूँगा। वो सही में टेक केयर करते, उनको कमज़ोरी होने के बाद भी, शरीर में थोड़ा बहुत कमज़ोरी रहता है, तकलीफ होती है, पेन होता है, तो भी वो मेरी टेक केयर करती है। वो हमेशा टाइम पर खाना देती है, टाइम पर दवा देती है,
और टाइम पर रेस्ट करने को बोलती है, हर चीज का केयर करती है। और साथ में जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ थोड़ा पेन था, तभी हमारे घर पे कोई नहीं था, तो मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया और खाना भी खिलाया। बस मैं मम्मी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू।